अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, पेडिक्योर करने का तरीका बताऊंगी मैं आपको। ये पेडिक्योर में हमने पैड डिप करा दिए हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम एक एक पैड निकाल के स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे करना है आपने। पेडिक्योर में सिर्फ मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाला था और थोड़ी देर के लिए पैड डिप कर दिए थे मैंने क्लाइंट के। तो इस तरीके से हमने एक पैड निकाल दिया है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लेंज़र, जो कि हम अप्लाई करेंगे पैर पे, कि किस तरीके से करना है। हम फुट पे लगाएंगे थोड़ा सा क्लेंज़र लेके, इस तरीके से हम लगाएंगे। फिर हम इस पे अच्छे, बहुत ही आराम से, हाथ सॉफ्टली से हम करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, इस तरीके से करना है। इस तरीके से जब आपको थोड़ा सा ड्राई लगे, जब आप समझ रहे हैं कि वो क्रीम जो हमने लगाई है वो थोड़ी ड्राई हो रही है, तो हम थोड़ा सा हाथ घी लगा के वापसी से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। ये देखें, इस तरीके से, क्योंकि फ्रंट पे जो हमारा एरिया होता है वो थोड़ा हमारे चप्पल पहनने से स्पॉट्स आ जाते हैं, धूप की वजह से आ जाता है, लाइनें बन जाती हैं, तो हम फ्रंट पे थोड़ा ज़्यादा करेंगे इस तरीके से। जब हमने हाथों से अच्छी तरीके से फिंगर से कर लिया, उसके बाद हम ब्रश की मदद से करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से ब्रश से करना है, सॉफ्टली से। देखिए, राउंड्स लेकर जाना है। फिंगर्स पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ये इस तरीके से करना है। ये हो गया इस तरीके से। अब हम यहाँ करेंगे एड़ी पे, वापसी से हमने, जब ये हमारा ब्रश हो गया तो थोड़ा सा हम और सॉफ्टली से अब हैंड से करेंगे। फिंगर की मदद से करेंगे, उतना ही हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। ज़्यादा टूल इस्तेमाल करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने यूज़ नहीं किया इसमें। इसी तरीके से नेक्स्ट हम सेकेंड पैर पे भी इसी तरीके से अप्लाई करके करेंगे। जहाँ हमें डार्क सर्कल्स मार्क दिख रहे हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह, तो हम उस पर ज़्यादा कर रहे हैं। ये देखें, इसी तरीके से हमने, फिर हमने ब्रश इस्तेमाल किया, इसी तरीके से हमारे से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड स्टेप, जो कि स्क्रब है। इसको भी हम इसी तरीके से थोड़ा पैर ड्राई करेंगे, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है पैरों को, थोड़ा सा ही करना है। अब हम स्क्रब लगाएंगे इस पर। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे। बस आपने स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। आपको साथ साथ मैं बताती चलूँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लगा आपको। इसी तरीके से हम आ गए वापसी सेकेंड स्टेप, ऐसे करना है। हम ऐसे पे रखेंगे पैर और हम फिंगर्स पे करेंगे ब्रश। बहुत ही ईजी है, इतनी ज़रूरत नहीं थी मुझे टूल्स की, तो मैंने ब्रश से ही किया। अब हम सेकेंड पैर पे फिर से हम स्क्रब लगाएंगे। हमारा एक पैर कंप्लीट हो गया, दूसरे पे अब हम स्क्रब लगा रहे हैं फिर से उसी तरीके से जैसे हमने उस पर किया था स्क्रब। अब इस पर भी हम एक्सेक्ट वैसे ही करेंगे। देखें, फिंगर्स पे अब हम ऐसे करेंगे राउंड राउंड से लेकर।
ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप डन। थर्ड हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चर, इसको भी इसी तरीके से हम लगाएंगे। पॉलिशर का जो काम है वो थोड़ा शाइनी सा लुक आता है, बहुत ही अच्छा। इसमें हमारे पास 5 स्टेप है, मैं आपको बताती चलूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ क्लेंजर, स्क्रब और मसाज से भी कर सकते हैं अपना पेडिक्योर। मेरे पास इसमें पूरा सेट था, इस वजह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। और मिस मैरी का बहुत ही प्यारा सा किट आता है, जो कि उसमें 6 पीस चीज़ें दी हुई होती हैं, जो कि उसमें इंक्लूड होता है। ब्लीच भी मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। वैसे अगर आप परचेज़ करना चाहो इजीली आपको हर जगह से मिलेगा और बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको 2-in-1 काम करना होता है, इसमें आपको फुट का भी मिलेगा एंड हैंड का भी मिलेगा। मकसद पेडिक्योर एंड मैनीक्योर आप दोनों कर सकते हो इस किट्स में। तो मैनीक्योर की अगर आप वीडियो देखना चाहो तो वो भी मेरे चैनल में है। आज मैं आपको पेडिक्योर का तरीका बता रही हूँ उसी मिस मैरी से। तो ये देखें, हमने इस पे भी थर्ड स्टेप अप्लाई किया है, जो कि बहुत ही प्यारा सा आप देख रहे हैं। रिजल्ट मिलता जा रहा है हमें, मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। फोर्थ स्टेप हमारा है मास्क, जो कि हम अप्लाई करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ड्राई जब तक हो जाइए। इसको फिर रिमूव करके मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी एंड में कि हमने इसको रिमूव किया और इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। ये देखिए, अब ड्राई हो गया। अब मैं इसको वॉश करके रिज़ल्ट दिखा दूँ। नेक्स्ट हमारा स्टेप है 5, जो कि मसाज है। इनको थोड़ी सी गुदगुदी होती है पैर में, तो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था ये, तो हम आराम आराम से करेंगे इनका। तो ये देखें, इस तरीके से आपने थोड़ा सा पैर टर्न किया। अब हम मसाज करेंगे, बहुत ही सॉफ्टली हैंड से करना है। जितने सॉफ्टली हैंड से आप मसाज करोगे उतना ही आराम मिलता है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हमारा पेडिक्योर में यही होता है मसाज, जो कि जितना अच्छा मसाज होगा उतना ही अच्छा आपका पेडिक्योर का रिजल्ट आता है। ये देखें, हमारा लास्ट स्टेप था मसाज, जो कि हम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट है। कोई टूल्स मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं, आपके सामने था जो मैंने यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा रिज़ल्ट आया है। अगर आपको ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ आप ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से हमें करना है। स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप नोट करिए कि किस तरीके से कर सकते हैं आप। ये देखें, इस तरीके से हम फिंगर थोड़ा बैक साइड ले के करेंगे, तो इसमें क्लाइंट को बहुत आराम रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी मसाज की स्टेप बाय स्टेप, कि कहाँ आपने पुश करना है, कहाँ पे आपने पैर को प्रेस करनी है अपने फिंगर से, कि क्लाइंट को कहाँ पे इजी और बहुत अच्छा फील होता है। तब तक आप ये वीडियोस चेक करिएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पैर पे भी मसाज करेंगे। ऐसे करना है आपने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, मुझे अच्छा लगा। इस वजह से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैं आपको एंड में इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कितना प्यारा सा रिज़ल्ट आया है इसका। ये देखें, कितना प्यारा सा रिज़ल्ट आया है, कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं। एड़ियाँ देखें कितनी साफ़ हो गई हैं। अल्लाह हाफिज़।